नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे आपके सामने। उसका नाम है स्क्रीन पे द नेकलेस। ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी गाय दे माउपसांत ने। ये एक फ्रेंच राइटर थे और स्टोरी भी फ्रांस बेस्ड ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद फिफ्थ या सिक्स क्लास में ये स्टोरी अपनी एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ी होगी, मगर आपको मैं एडवाइस करूंगा कि इस स्टोरी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डिटेल्स हैं स्टोरी में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस उनसे ही आते हैं। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है स्टोरी का, वो काफ़ी नहीं है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आर एनालिसिस। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी एग्जाम के लिए हमारा एक पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्स है। इसमें सीजीएल सीएचएसएल दोनों का कोर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके अलावा बैंक एग्जाम्स के लिए आईबीपीएस एसबीआई पीओ एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और एक ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी पेनड्राइव कोर्स है। उसके अलावा यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी हमारा पेनड्राइव टैबलेट कोर्स टेस्ट सीरीज, बहुत सारे हम आपको साधन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने गोल को रीच कर पाएँ। उसके अलावा क्लैर डीएसएसबी वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज studyiq.com पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाके इनको परचेज कर सकते हैं या आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं स्टोरी में, ये दो कैरेक्टर्स हैं, उनके अलावा इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इन सब के अलावा एक चौथा कैरेक्टर भी है जिनके बारे में हम स्टोरी के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर लॉयसल के बारे में। मिस्टर लॉयसल एक छोटे से क्लर्क हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रांस में। छोटे से क्लर्क मतलब हाइट छोटी नहीं है, इनकी पोस्ट काफ़ी छोटी है। इनकी पत्नी है मथिल्डा लॉयसल और इनको काफ़ी बार मिसेस लॉयसल भी कहा जाता है। उसके अलावा जीन फॉरेस्टियर, ये दोस्त हैं मथिल्डा की, काफ़ी अमीर हैं जीन फॉरेस्टियर और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका पूरी स्टोरी में। अब समरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम मिलते हैं मथिल्डा से, मथिल्डा लॉयसल, जो एक मिडिल क्लास लड़की है जो डेस्परेटली चाहती है कि काश उसके पास और पैसा होता, वो और ज़्यादा अमीर होती, क्योंकि उनके काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट शौक़ हैं। वो चाहती हैं कि उनके पास महंगी ज्वेलरी हो, उनके पास महंगे कपड़े हो, बड़ा घर हो और सोसाइटी में बहुत और ज़्यादा उनका नाम हो। तो वैनिटी की शिकार हैं ये। और उसके अलावा काफ़ी ब्यूटीफुल है मथिल्डे और ये अपना बैड लक समझती हैं, अपनी बुरी किस्मत समझती हैं कि वो एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में पैदा हुई और इनकी शादी भी एक क्लर्क के साथ तय कर दी जाती है जिनका नाम ऑफ कोर्स है मिस्टर लॉयसल, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क है। अब मिथिल्डा अपने माइंड में ये बात अच्छे से बसा लेती है कि एक ना एक दिन वो अमीर ज़रूर बनेगी और अभी के लिए जो उनकी मिडिल क्लास लाइफ होती है उससे वो काफ़ी नफरत करती हैं। डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं, काफ़ी बार जो चीज़ वो लेना चाहती है वो ले नहीं पाती क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते। इस चीज़ से काफ़ी उनको नफरत होती है और काफ़ी बार दिन में सपने देखती रहती हैं कि वो किसी किले में रह रही हैं और हाई सोसाइटी के लोगों से बातें कर रही हैं। तो बेसिकली वो अपनी जो प्रेजेंट लाइफ थी उससे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी। अब एक दिन मिस्टर लॉयसल घर में आते हैं और उनके हाथ में एक इनविटेशन होता है एक फैंसी बॉल का। एक फैंसी बॉल बेसिकली एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जहाँ पे डांस होता है और बेसिकली जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं और ओवरऑल लोग अच्छा टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी एक पार्टी का इन्विटेशन लेके मिस्टर लॉयसल घर में आते हैं और उनको उम्मीद होती है कि उनकी पत्नी जब ये इन्विटेशन देखेगी तो उनको बहुत ज़्यादा खुश होगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पार्टी थी, ये जो फैंसी बॉल था, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये मिस्टर लॉयसल के बॉस जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। अब मिस्टर लॉयसल को काफ़ी मुश्किल हुई ये इनविटेशन पाने में क्योंकि वो सिर्फ एक क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये इनविटेशन कहीं ना कहीं से ले लिया। अब जैसे ही उन्होंने ये इनविटेशन अपनी पत्नी को दिया, वो इस इनविटेशन को लेकर खुश नहीं हुई, वो ऑलमोस्ट रोने लग गई, कंप्लेन करने लग गई क्योंकि उन्होंने कहा कि इस इनविटेशन का फ़ायदा क्या है जब उनके पास अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसे फैंसी बॉल में काफ़ी अमीर लोग जाते हैं, उनके पास काफ़ी बढ़िया कपड़े होते हैं, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी होती है उनके पास, और मथिल्डा के पास ऐसा नहीं था क्योंकि उनके पति एक बहुत ही बेसिक लेवल पे काम कर रहे थे, एक छोटे से क्लर्क थे। अब मिस्टर लॉयसल अपनी पत्नी के लिए एक सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने 400 फ्रैंक्स अपने लिए जोड़ के रखे थे और ये 400 फ्रैंक्स की अपने लिए एक बंदूक खरीदने वाले थे। अपने दोस्तों के साथ वो हंटिंग में जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने इस ड्रीम को भी कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी बीवी की खुशी के लिए मैं ये भी उनको दे दूंगा। तो ये 400 फ्रैंक्स ये अपनी पत्नी को दे देते हैं और वो कहते हैं कि जाके आप एक ड्रेस खरीद लीजिए, 400 फ्रैंक की एक ठीक ठाक ड्रेस आ जाएगी। अब मथिल्डा ड्रेस खरीदने के बाद भी दुखी रहती हैं
और उनका दुखी रहने का रीज़न ये था कि उनके पास प्रॉपर ज्वेलरी नहीं है इस ड्रेस के साथ। अब यहाँ पर मिस्टर लोयसल अपने हाथ खड़े कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते अपनी पत्नी को और कुछ देने के। तो मिस्टर लोयसल सजेस्ट करते हैं कि वो फॉरेस्टर जो एक काफ़ी अच्छी दोस्त हैं उनकी पत्नी की, उनके पास जाएं और वहाँ पर उनसे एक कोई ज्वेलरी का कोई पीस अगर उनको कोई पसंद आए, कोई नेकलेस वगैरह, वो उनसे वो बोरो कर ले एक दो दिन के लिए, ताकि वो पार्टी में वो पहन पाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैडम फॉरेस्टर जो मथिल्डा की दोस्त थी, उन्होंने उनको एक गॉर्जियस डायमंड नेकलेस बोरो करने दिया और उन्होंने कहा कि आप ये पार्टी में पहन सकते हैं एंड यू विल बी हैप्पी। और मथिल्डा बिल्कुल हैप्पी थी क्योंकि वो डायमंड नेकलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और उसके बाद वो पार्टी की रात भी आई और वहाँ पे मथिल्डा गई अपने पति के साथ, और वहाँ पे मथिल्डा जो चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। ऑलमोस्ट हर आदमी जो था पार्टी में वो मथिल्डा की तरफ देख रहा था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओवरऑल जो उनका पूरा ये जो गेटअप था वो काफ़ी अच्छा था, उनकी ड्रेस काफ़ी अच्छी थी और जो डायमंड नेकलेस था वो काफ़ी शाइन कर रहा था। तो ओवरऑल उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम वहाँ पे बिताया, सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे। और उसके बाद जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो मथिल्डा बहुत ही जल्दी से बाहर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि जब वो डोर क्रॉस करती है तो उनको कोट पहनना होता है क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी थी। अब उनका कोट काफ़ी इतना बढ़िया नहीं होता कंपेयर टू हर ड्रेस एंड हर नेकलेस, कोट उनका काफ़ी शैबी टाइप का होता है। तो वो जल्दी से कोट पहन के बाहर भागती है और कुछ एक डिस्टेंस वो चलते हैं वो लोग। उसके बाद एक कैब को पकड़ के वो दोनों घर पहुँचते हैं। अब घर पहुँचने के बाद मथिल्डा फिर से एक बार चाहती थी कि आईने में वो खुद को देखें, क्योंकि उनको ये जो नेकलेस था डायमंड नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो जब उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा तो उनको एक शॉक लगा, उन्होंने ये देखा कि डायमंड नेकलेस गायब था, मतलब कि कहीं ना कहीं रास्ते में वो डायमंड नेकलेस गिर गया होगा जब वो भाग रही थी बाहर, या जब वो टैक्सी में थी, या कहीं भी वो डायमंड नेकलेस बेसिकली गायब था। मिस्टर लोयसल अगला पूरा का पूरा दिन बस ढूंढते रहते हैं कि वो नेकलेस कहाँ पे है। जहाँ पे पार्टी हुई थी उस वेन्यू में वो जाते हैं, रास्ते में भी देखते हैं कि कहीं वो नेकलेस मिल जाए। और उसके बाद पूरा अगला वीक दोनों पति पत्नी बस उस नेकलेस को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनको पता था काफ़ी महंगा नेकलेस होगा और उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब इसी दौरान वो मैडम फॉरेस्टर को ये बता देते हैं कि नेकलेस का एक छोटा सा एक पार्ट है वो उसमें हल्का सा डैमेज आ गया, तो उन्होंने ज्वेलर को दिया है और ज्वेलर जैसे ही वो नेकलेस फिक्स करेगा वो मैडम फॉरेस्टर को वो नेकलेस वापस कर देंगे। तो ये बहाना मारते हैं कुछ टाइम बोरो करने के लिए, मगर उनको वो नेकलेस बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अब वो दोनों लोग ऑनेस्ट लोग थे और वो सोसाइटी में ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेइज्जती हो, और जिससे भी उन्होंने एक नेकलेस उधार लिया था वो वापस देना चाहते थे। तो वो एक ज्वेलरी स्टोर को विज़िट करते हैं और उसके बाद वो एक जो नेकलेस था जो खो गया था वैसा ही एक लुक अलाइक ऑलमोस्ट सेम दिखने वाला एक नेकलेस वहाँ पर देख लेते हैं। मगर जब उसका वो प्राइस पूछते हैं तो दोनों को झटका लगता है, 36,000 francs का ये नेकलेस था। मिस्टर लोयसल के पास इतने पैसे नहीं थे, ये एक्चुअली ट्वाइस द अमाउंट था जितना पैसा लोयसल के पास टोटल था। और मिस्टर लोयसल ने कहा कि ये तो मैं सीधा सीधा खरीद नहीं सकता, इसको लेने के लिए मुझे उधार ही लेना होगा। और हुआ भी यही, मिस्टर लोयसल डेट में आ गए, क्योंकि इनको ये जो नेकलेस था ये वापस तो करना था, क्योंकि सोसाइटी में नहीं तो उनका नाम बिल्कुल ख़राब हो जाता। अब मिस्टर लोयसल ने वो नेकलेस सब भी खरीद लिया और उस नेकलेस की वजह से वो भारी कर्ज में डूब गए, और उन्होंने वो जो भी था वो नेकलेस कम से कम मैडम फॉरेस्टर को वापस कर ही दिया। और मैडम फॉरेस्टर ने कुछ एक नोटिस नहीं किया कि वो नेकलेस में कुछ डिफरेंस है या कुछ भी, नेकलेस ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा था और उन्होंने चुपचाप उसको वापस ले लिया। अब इससे क्या हुआ कि जो लोयसल्स थे उनकी पत्नी पत्नी मथिल्डा और मिस्टर लोयसल दोनों पॉवर्टी की तरफ धकेले गए आने वाले 10 साल के लिए, क्योंकि कर्ज इतना बड़ा था और लोयसल की इतनी पगार ही नहीं थी कि वो कर्ज को भी चुका पाए और जो खाना पानी है घर का वो भी चलता रहे। तो उनको अपने घर से हाथ धोने पड़ते हैं, उनकी घर में एक मेड आती थी काम वाली वो भी अब आना बंद कर देती है, और उनका जो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल था, चाहे उनके पास बंगलो नहीं था मगर एक ठीक ठाक घर तो था, एक कंफर्टेबल लाइफ तो जी रहे थे, वो भी उनसे छिन जाता है। अब उसी दौरान मथिल्डा की जो खूबसूरत लुक्स थी वो भी चली जाती है, क्योंकि सिंस अब उनके पास मेड नहीं थी, घर नहीं था अपना, तो उनको भी अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ा।
मठिल्डा को सारा जो घर का काम था, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने वगैरह, वो सब उनको करना पड़ा। और उसके अलावा जो उनके हस्बैंड थे उनको इवनिंग में भी काम करना पड़ा एज ए मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपीअर। वो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उनको कॉपी करते थे, दिन में अपनी क्लर्की करते थे, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। और वो भी एक पन्ने के उनको बस 5 सोस मिलते थे, एक फ्रैंक का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है एक सोस। तो ओवरऑल दोनों की लाइफ काफ़ी ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट नेकलेस। अब 10 साल बीत जाते हैं और दोनों पति पत्नी लॉयसल्स अपना सारा कर्ज चुका देते हैं। और उसके बाद मथिल्डा शैम्पेस आइल्स, ये बेसिकली फ्रांस में जो आइफल टावर है उसके करीब एक जगह है, बेसिकली शॉपिंग सेंटर टाइप का है, वहाँ पे लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर मथिल्डा जा रही थी और उसी दौरान उनको मैडम फॉरेस्टर वहाँ पे मिलती है। वो अभी भी अमीर थी, अभी भी काफ़ी खूबसूरत थी। और मथिल्डा ने सोचा कि अब जब सारे कर्ज हमने चुका दिए हैं तो मैडम फॉरेस्टर को पूरी कहानी बताने का टाइम हो ही गया है, शायद वो भी ये स्टोरी सुन के उनको भी काफ़ी शौक होगा कि आप लोग इतने ऑनेस्ट आदमी हो और आपसे एक नेकलेस गुम गया तो आपने 10 साल अपनी ज़िंदगी के कुर्बान कर दिए वगैरह। तो उनको वो बताती है अपनी सैड स्टोरी के ऐसे जो आपने हमें नेकलेस दिया था हमने खो दिया था, उसके बाद हम जब ज्वेलर के पास गए तो वहाँ पता लगा कि 36,000 फ्रैंक्स का है और उसके बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, 10 साल बहुत काम किया, बहुत हमने पावर्टी झेली, और सारी बातें वो मैडम फॉरेस्टर को बताती हैं। अब मैडम फॉरेस्टर को ये सुन के बहुत दुख लगता है, शौक होता है, और वो रीज़न जो था उनके दुख और शौक का वो कुछ और था। वो मथिल्डा को बताती हैं, वो रिवील करती है ये बात कि तुम्हें मुझे ये बात नेकलेस वाली बात के नेकलेस खो गया था, मुझे तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी, क्योंकि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो एक फेक नेकलेस था, वो एक असली नेकलेस नहीं था, और उसकी जो असल में कीमत थी सिर्फ 500 फ्रैंक्स की थी, 36,000 फ्रैंक्स की नहीं थी। और ये यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये एक आयरनी है कि किस तरीके से मियाँ बीवी ने इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय झेला, क्योंकि जो पत्नी थी मथिल्डा उनमें इतनी वैनिटी थी, वो चाहती थी कि जितना उनके पास है वो दुनिया को उससे ज़्यादा दिखाए बेसिकली, और बेसिकली वो जो नहीं थी दुनिया को वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना चाहती थी। और इस रास्ते में जब भी कोई चलता है ना तो उसके साथ बुरा ही होता है, क्योंकि जो आप नहीं हो अगर आप दुनिया को वो दिखाओगे कि आप वो हो तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पर यह बताना है कि द नेकलेस का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब कि यहाँ इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि जब मथिल्डा बॉल में गई, बॉल मतलब जो पार्टी थी जहाँ पे उनको इन्विटेशन दिया था उनके पति ने, तो वहाँ पर लोगों ने कैसा रिएक्शन दिया उनको, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको ये बताना है कि जब मथिल्डा को पहली बार इन्विटेशन दिया पार्टी का उनके पति ने तो वो इतनी नाखुश क्यों थी, उसका रीज़न क्या था। ऑलराइट, और फाइनली कहानी के चौथे कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका नाम है जॉर्जस रामपेनू, ये बेसिकली जो मिस्टर लॉयसल थे उनके बॉस है, तो बेसिकली ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है फ्रांस में इस स्टोरी में, और इन्हीं ने इनविटेशन दिया था और पार्टी में बॉल में जरे हर आदमी मिस्टर लॉयसल की पत्नी को देख रहा था, ये भी अब उनकी पत्नी को नोटिस कर रहे थे कि वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी अपने नेकलेस और अपनी ड्रेस में। तो ये है हमारी स्टोरी का अंत, उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा, पोएम्स भी लाता रहूँगा, एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी है वो भी काफ़ी इससे बढ़ेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो वेरी सून। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग हार्ड एंड यू विल सक्सेस।